हेलो गाइस, मैं आज आपसे रूरल एंड रियल इंडिया से रिलेटेड एक इंसिडेंट इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एंड एज द नेम ऑफ माय चैनल इज इंडिया माय फैमिली, आई कंसीडर ऑल ऑफ यू एज द पार्ट ऑफ दिस चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पानी में काफी इंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ ही आप इन बफेलोज को भी क्लियरली देख पा रहे होंगे। सो क्लियरली इन वन लाइन, ये बफेलोज और ये बच्चे एक साथ इस पानी में बात ले रहे हैं। नाउ गाइस, ऐसे तो इस वीडियो से ह्यूमन एंड एनिमल लव का एक प्यारा सा मैसेज भी मिल रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दिस इट इज वेरी बैड फॉर दीज स्मॉल चिल्ड्रन हेल्थ। ये पानी ऑलरेडी काफी मड़ी एंड गंदा तो लग ही रहा है, बट इसके साथ ही इस वाटर में एनिमल्स भी बात ले रहे हैं। और ये तो आपने देखा ही होगा कि अक्सर बफेलोज की बॉडी पे कितनी गंदगी एंड स्मॉल इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं, और इस पानी में वो सारी गंदगी मिक्स हो चुकी है जिसमें ये बच्चे भी बात ले रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि ये बच्चे बफेलोज की बॉडी पे चढ़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। एट वन एस्पेक्ट इट इज फन एंड एंजॉयमेंट मोमेंट फॉर दीज चिल्ड्रन, बट एट अदर साइड इट इज वेरी हार्मफुल फॉर देयर हेल्थ। गाइस, आप खुद ही सोचिए कि बात लेते टाइम अगर ये बच्चे गलती से ये पानी पी लेते हैं तो इन्हें कितनी सारी डिफरेंट डिजीजेस हो सकती है। ऐसे गंदे पानी में काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिससे ह्यूमन हेल्थ एडवर्सली इफेक्ट हो जाता है। इस तरह के कंटामिनेटेड वाटर से कॉलेरा, डायरिया, टाइफाइड जैसे कई डिजीजेस हो सकते हैं। ऑल्सो आई सॉ कि इसी पानी में क्लोथ्स भी वॉश किए जा रहे थे। गाइस, इट इज ट्रू, कैसे न्यूज आपको रूरल साइड एरियाज में ही देखने को मिलेंगे। एंड ऑफ कोर्स दिस वाज अ वेरी न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी बिकॉज मैंने रूरल इंडिया बहुत कम देखा है। सो दिस वाज वन ऑफ द रीजन आई डिसाइडेड टू एक्सप्लोर द रूरल प्लेसेस ऑफ इंडिया। सो गाइस, इस वीडियो के बारे में आप अपने व्यूज एंड थॉट्स कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू।